धरती का अंत कैसे होगा? इसके ऊपर साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज प्रूफ की हैं, जैसे कि म्यूटेरॉयड का टकराना, ग्लोबल वार्मिंग और वोल्केनिक इरप्शंस। पर एक ऐसी चीज़ भी है जो हम इंसानों की जाति को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी, जिसका नाम है मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिसे आज इंसान डेवलप कर रहा है, वो ये नहीं जानता कि आगे चल के ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है? मशीन की खुद से सोचने की पावर या फिर किसी चीज़ के फैसले को करने की पावर को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ये एक तरह की बुद्धि होती है जो मशीन के अंदर डेवलप की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अगर फेसबुक पे किसी पेज को लाइक करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि उससे रिलेटेड आपको ढेर सारे मीम्स और ढेर सारे पेजेस आते हैं। और अगर आप किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं तो आपको वही ऑनलाइन साइट ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाती है और उसी दाम पे। ये कुछ नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे चारों ओर हैं, आपके फ़ोन से लेके आपकी स्मार्ट वॉच तक, जैसे कि एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सीरी या आपके फ़ोन का ऑटो ब्राइटनेस मोड। आप सोच भी नहीं सकते कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे चारों ओर है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज़ की जिससे हमारी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरा है, और उस चीज़ का नाम है सिंगुलैरिटी AI। साइंटिस्ट ने AI को तीन भागों में डिवाइड किया है, वीक AI, स्ट्रॉन्ग AI और सिंगुलैरिटी AI। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगुलैरिटी AI की। हम जिस एरा में रह रहे हैं वो है वीक AI, जिसमें AI उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से डेवलप हो रहा है। दोस्तों, सिंगुलैरिटी AI में अक्सर होगा क्या कि जो मशीन्स हैं वो उतनी पावरफुल हो जाएंगी कि वो अपने फैसले खुद ले सकेंगी। इसकी वजह से दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर केस नंबर 1 होता है तो उसमें क्या होगा कि मशीन्स के अंदर इमोशंस डेवलप होंगे और मशीन्स इंसानों की सबसे बड़ी दोस्त बन जाएंगी। और अगर केस 2 होता है तो मशीनें इंसानों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी, और फिर हमें देखने को मिलेगी इंसानों और मशीनों के बीच एक जंग, जिसमें हार हम इंसानों की ही होगी, क्योंकि मशीनें कभी गलती नहीं करती, पर इंसान गलतियां करता है और उसी से सीखता है। बुरी बात तो ये है कि इसके बारे में साइंटिस्ट ने भी अभी तक प्रेडिक्ट नहीं किया है। उनका मानना है कि इन दो चीज़ों के होने के 50-50 चांसेस हैं। तो बढ़ते हैं हम उस रीज़न की तरफ जिसकी वजह से हमें इस टॉपिक को उठाना पड़ा। साल 2017 जुलाई अगस्त के महीने में फेसबुक के एक्सपर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया। उसमें क्या किया, उन्होंने दो चैटबॉट्स बनाए, बॉब और एलिस। जब इन दोनों से चैट की गई तो उन्होंने नॉर्मली जैसे चैटबॉट आंसर देते हैं वैसे उन्होंने किया, पर उनमें से एक इंजीनियर के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम इन दो चैटबॉट्स को आपस में बात करा के देखें। और फिर जो उन्होंने देखा, उसने इन सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि ये दोनों चैटबॉट्स कुछ अजीब लैंग्वेज में एक दूसरे से बात कर रहे थे। पहला चैटबॉट बॉब कहता है, I can, everything else। फिर एलिस कहता है, Balls have zero to me too, blah blah blah। फिर बॉब कहता है, UI, everything else। उसके बाद एलिस बोलता है, Balls have a ball to me, blah blah blah। इंजीनियर समझ नहीं पा रहे थे कि इन दोनों के बीच क्या कम्युनिकेशन हो रही है, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई। उन्होंने देखा कि इन्होंने कुछ कोड वर्ड में एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप की है जो समझना हम इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप खुद देख सकते हैं कि इन सेंटेंसेस का कोई मतलब ही नहीं बनता। और जैसे तैसे करके उन्होंने उन दो रोबोट्स को बंद कर दिया। आप एक बार सोचिए, अगर ये चैटबॉट्स आपस में एक नई लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं, तो अगर ये इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया में फैल जाते और अगर किसी रोबोट या किसी बड़ी मशीन में फिट हो जाते, तो ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक सी बात हो पाती। इसी को देखते हुए फेसबुक के इंजीनियर ने इसको बंद करने का फैसला किया, और ये घटना पूरे साइबर इतिहास में सबसे डरावनी घटनाओं में से एक मानी जाती है।
जो साफ इशारा करती है कि अगर हम इस एआई को समझ नहीं पाए तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। सोचो अगर इंसान ने कंप्यूटरी दिमाग पे अपना कंट्रोल खो दिया तो क्या होगा। जो लोग एआई को अच्छे से समझते हैं उन लोगों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया का सबसे आखिरी इन्वेंशन होगा जो इंसान करेगा, क्योंकि इसके बाद सारी इन्वेंशन मशीनें खुद ही करेंगी। वह खुद को खुद ही बनाएंगी और खुद ही अपने आप को डेवलप करेंगी। इसकी वजह से इंसान उस चीज़ को करने के कैपेबल नहीं रहेगा जो वो पहले करता था। सर स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि एआई कुड एंड द मैनकाइंड। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये चीज़ जन्म ले चुकी है और इस चीज़ का विकास बहुत ही ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। बड़े बड़े रिसर्चर्स का मानना है कि एआई जो सिंगुलैरिटी में आने वाली है वो आज से 10 से 20 साल में हकीकत होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सेंचुरीज में आप देख सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा तेज़ी से विकास हुआ है। तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि साल 2040 आते आते हमारी दुनिया में सिंगुलैरिटी एआई आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये अच्छी होगी बुरी होगी, वो तो वक्त ही बताएगा। हम इंसानों के लिए यही अच्छा होगा कि सिंगुलैरिटी आई हमारे लिए अच्छी हो, क्योंकि अगर ये बुरी हुई तो आप जान सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होगा। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और अच्छे से और डिटेल में समझना है तो मैं आपको दो मूवीज़ रिकमेंड करता हूँ, जिनमें से पहली मूवी है मैट्रिक्स, जो साल 1999 में आई थी। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसके शुरू के कुछ पार्ट समझ नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इसको तीनों पार्टों में देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ जा देगी एआई का मतलब। दूसरी फिल्म है आई रोबोट। इस फिल्म में इंसानों और रोबोट्स के बीच की जंग को दिखाया गया है कि कैसे इंसानों और रोबोट्स के बीच जंग होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।